को मैं नमन करता हूँ और ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी मैं नमन करता हूँ। आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, उसी चीज पर मैं आप सभी को एक गीत सुनाना चाहता हूँ। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं, लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। संविधान की रचिया दुनिया से जा रही है, संविधान की रचिया दुनिया से जा रही है। लाखों करोड़ प्राणी आंसू बहा रहे हैं, लाखों करोड़ प्राणी आंसू बहा रहे हैं। लेकर के रात काली आया है 6 दिसंबर, छुप छुप एक बार जोरदार तालियां से, तालियां बहुत। सब लोग आराम से बैठ लीजिए प्लीज।
आज ऐसा एक दिन है, ये हम सब लोग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नो, हम सब लोग को बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। क्यों है? क्या हम इकट्ठा होके यहां पे अच्छा हो बुरा हो सेलिब्रेट करके वापस जाना, या एक विचारधारा को लेके हम वापस जाके किस तरह से ये विचारधारा को हम हमारा नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करके करना, ये बहुत जरूरी है। मैं पहले जय भीम बोल के धन्यवाद करूंगा मंत्री जी को और साथियों यहाँ पे जितना भी लोग है। मैं छः या सात मिनट बोलूँगा, मैं उससे ज़्यादा नहीं है सर, बहुत लोग है, मैं दूसरा लोगों के सीखता हूँ, उससे सीखता हूँ, मेरे बच्चे को जब पढ़ाता हूँ उससे सीखता हूँ। सीखना बहुत जरूरी है, सीख के सवाल करना भी बहुत जरूरी है। तो ये अंबेडकर ने एक चीज बोलता है, लाइफ शुड नॉट बी लॉन्ग बट इट शुड बी मीनिंगफुल, इट शुड बी, इवन इफ इट इज शॉर्ट इट शुड बी मीनिंगफुल। क्या हम उसको लेके कितना मीनिंगफुली हम लाइफ जी रहा है, सेल्फ रिट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। इंजीनियर साहब भी बात कर रहा था, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, लाइक हम किस चीज के लिए जी रहे हैं? क्या खुद ही हमारा पेट के लिए जिएंगे? क्या जो हमारा भाई बहन लोग जो गांव में हमारा तरफ देख रहा है, भाई यहां से कुछ ना कुछ हमको एक रास्ता मिलेगा, उन लोगों के लिए जिएंगे हम? दैट इज द आइडिया व्हाट अंबेडकर सेड, दैट लाइफ शुड बी मीनिंगफुल रेदर देन लॉन्ग। भाई हम 60 साल जी सकते, 70 साल जी सकते, बट ये 60 साल में 70 साल में हमने समाज के लिए क्या किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, दो दिन के पहले मैं एक मीटिंग में था, मीटिंग मतलब एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का मीटिंग, उसमें मैंने उनको एक सुझाव दिया, भाई ये जो पेंडेमिक का टाइम में जितना भी लेबर लोग हैं, वो सारे लेबर लोग 80% से ज्यादा लोग हैं दलित बहुजन लोग हैं, उन लोगों के बारे में ये जो इंस्टीट्यूट उसमें जो मीटिंग में था, मैंने उनको एक सुझाव दिया। सुझाव देने के बाद मैंने ये भी बोला, भाई ये जो लेबर का श्रम का जो हिस्ट्रीज है, इतिहास है, उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है, बोला मैंने। वो इंडियन लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है, उसमें एक भारतीय मजदूर संघ, आपको पता है ये बीजेपी का लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव भी था, उन्होंने तुरंत क्या बोला, देखिए आइडियोलॉजी मतलब किस तरीका से हमारा मन में, एवरी नर्व मस्ट बी इम्बाइब्ड विथ आइडियोलॉजी। उन्होंने क्या बोलता है, ये प्रोफेसर साहब बढ़िया इंपॉर्टेंट सजेशन दिया, आप ये भारतीय मजदूर संघ का जो स्थापित किया उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी बोल के इंस्टीट्यूट वाले को बोल रहा है। मेरा मतलब दूसरा था, उनका मतलब दूसरा था, मतलब देखिए किस तरीके से वो लोग जहां पे भी हो वो लोग अपना विचारधारा को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए प्रयास कर रहा है। हम चुप नहीं बैठना, जहां जहां हम है ये जो विचारधारा को इंस्टीट्यूशनलाइज करना, क्षमा करना, वो इंस्टीट्यूशनलाइज करने का मुझे हिंदी में नहीं आ रहा है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब संस्थाओं में ये जो विचारधारा को स्थापित करना बहुत जरूरी है। इसी मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी का अंदर 2-3 कोर्स चलता है, एक जितना भी हम यहां पे जो महापुरुष लोग हैं इतना नहीं पढ़ा पाएंगे, वहां पे एक सेमेस्टर का अंदर दलित बहुजन थॉट बोल के एक पेपर 3 साल का पहले इंट्रोड्यूस किया। उस टाइम के कंचा अहिल्या किताब का ऊपर भी बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुआ, बुद्धा का ऊपर एक किताब लिखा उन्होंने। मैंने एक ही चीज बोला दिल्ली यूनिवर्सिटी लोगों को, भाई हम बुद्ध को पढ़ाएंगे, हम बुद्ध को पढ़ाएंगे, हम फूले को पढ़ाएंगे, हम ताराबाई शिंदे को पढ़ाएंगे, हम अंबेडकर को पढ़ाएंगे, हम कांशीराम को भी पढ़ाएंगे। क्या करोगे आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का अंदर
हम सवाल किए। मैंने ये भी बोला हम जाएंगे कोर्ट पे, आप लोग इस किताब को हटाएं। मतलब ये क्यों बोल रहा हूं, जो मंत्री साहब, मैं आई एम श्योर सर, आज मैं ये बिना सुन के मैं बोल रहा हूं, ये कि याद है सर आप जब बोल रहा था, थोड़ा सा पानी दे दी। जब अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वो लेक्चर को लिख के उन्होंने भेजा एक पेपर को, जो झटपट तोड़क मंडल ने बोला भाई थोड़ा दिक्कत है तुम तो इस तरफ कुछ कुछ हटाओ, उन्होंने बोला एक कामा भी नहीं हटाऊंगा, एक पुलस्तर भी नहीं हटाऊंगा। शायद आज मंत्री जी पीछे नहीं हटा हुआ है वहां पे, शायद मतलब ये बोलना चाहूंगा मैं, वहां पे विज्ञान भवन हो या मोदी का सामने वो हो, ये खुल के बोलेगा, दिल खुल के मंत्री जी मैं बोलूंगा। शायद वो सुनने के बाद आई एम श्योर दैट ही माइट हैव पोस्ट चैलेंज टू दिस यू नो द राइट विंग सरकार विच इज देयर इन द गवर्नमेंट। दैट इज व्हाट वी वांट, वी वांट टू इंस्टीट्यूशनलाइज। जब 7th में 8th में दिल्ली सरकार जो हमारा वो जो छोटा छोटा लेसन इंट्रोड्यूस किया, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। मिशन जय भीम का अंदर आज जो किताब आया, ये दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। और सर मैं ये भी बोल रहा हूं, मैं कांशीराम पे किताब लिख के दे दूंगा, बांट लीजिए सर। कांशीराम पे बहुत कम लिखा गया है अभी तक, वो जो तत्व मतलब वो आइडियाज को लेके, ही वॉज बीइंग कंसिडर्ड एज ओनली यू नो ए दलित लीडर, ही इज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। कांशीराम जी वो पूरा इंडियन पॉलिटिक्स को सवाल करता है। तीसरा चीज है इस कोर्स के अंदर जो मैंने बोल रहा था सर, शायद पता नहीं यू नो 150 से ज्यादा लोग ऑप्ट करते हैं, 160 लोग हैं इसी साल। बहुत त्रिपाठी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, दूसरा लोग आ रहा है सर इस पेपर पढ़ने के लिए, हमारा बच्चे कम लोग आ रहे हैं। क्यों? मैं इसमें मैं उसको तारीफ नहीं कर रहा हूं, उसका वो आइडिया क्या है वो अलग बात है, बट क्यों हम हमारा बच्चे को बचपन से पढ़ाने में आगे नहीं बढ़ावा देता है, स्पेशली गर्ल चिल्ड्रन को, जो बालिका लोगों को, क्यों हम शादी के बारे में सोचना ही बंद करो आप। 15-16 साल के बाद हम सोचते हैं बड़ी बेटी है तो इसको शादी कर दो, नहीं है। हम एजुकेशन इज द ओनली टूल विच विल एमांसिपेट अस, बाबा साहेब बोला, फूले बोला, और कितना लोग बोला भाई, बिना पढ़ लिख के हम सवाल नहीं कर सकते, क्रिटिकली एंगेज नहीं कर सकते। तो एजुकेशन मतलब वो इंजीनियर साहब बोल रहा था, मैं अभी भी बचपन में मेरा पापा ने वो पूरा, मैं 10th 11th शायद, वो पूरा वो राम कृष्ण वो पूरा उठा के वो पानी में फेंक दिया, वो अभी भी याद है। आज मैंने वो बहुत गर्व से बोल रहा हूं, दो पेपर मैंने लिखा, बहुत इंटरनेशनल रिप्यूटेटेड सर, आज ही मैंने अनाउंस किया, पिछले 2 महीने के अंदर 2 पेपर पब्लिश हुआ। एक पेपर है एम्बॉडीड विद अंबेडकर, एम्बॉडीड मेमोरीज अंबेडकर, ए जर्नी विद अंबेडकर, मतलब मेरा अभी भी मैं सर ऐसा नहीं है अंबेडकर के हमने अंबेडकर को नहीं देखा, मैं हर रोज अंबेडकर को देखता हूं, हर रोज अंबेडकर को सुनता हूं, हर रोज अंबेडकर मेरे को मारता है, भाई तुम क्या कर रहे हो, चुप बैठ रहे क्यों, व्हाई यू आर साइलेंट, यू मस्ट क्वेश्चन दिस सिस्टम, यू मस्ट स्पीक। अंबेडकर जिंदा है सर, हमारा सब में जिंदा है, दैट इज व्हाई आई एम, ये जो किताब जो है सर मैंने लिखा Embodied Memories, ए जर्नी विद अंबेडकर, मैं बचपन से लेके आज तक पिछले साल मेरा डिपार्टमेंट में किस तरीके से मेरा तरफ से मेरी से ही बदतमीज हुआ वो भी लिखा मैंने, वो लिखता रहूंगा जब तक लास्ट तक मेरा अंतिम श्वास जो होता है ना तब तक लिखता रहूंगा, तब तक मेरा मैं अंबेडकर के साथ चलता रहूंगा मैं। ये तो जर्नी है, ये तो हर रोज का जर्नी है, खाने टाइम पर याद आता है मुझे, सबको याद आता है, ऐसा नहीं है भाई ये ऐसा नहीं है, ये कौन है ऐसा बोला, हम सब अंबेडकर वादी है, नहीं तो थोड़ा 19-20 ऊपर नीचे होता है। फुल फ्लेक्सिबली कैसे अंबेडकर वादी बनना, खाने टाइम पे कोई भूखा से है क्या पूछ लो, सोने टाइम पे कोई बेडशीट है क्या उसको वो सोने के लिए, मतलब एवरी डे एवरी मोमेंट व्हाट एवर यू डू यू मस्ट इम्बाइब the idea of freedom, equality, justice, fraternity, rights,
इतना तमाम चीज बोला उन्होंने. दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड विद लाइफ मस्ट बी ग्रेट एंड ऑल्सो मस्ट बी मीनिंगफुल रेदर देन लॉन्ग. दैट्स व्हाट ही सेड. देन और दो चीज बोल के मैं खत्म करूंगा सर, शायद मैं ज्यादा टाइम नहीं ला. फैसिज्म जितना बहल रहा है, उस फैसिज्म के साथ उसी टाइम पे अंबेडकर हो, फुले हो, बहुत तमाम थिंकर्स, उन्होंने दिल खोल के उन्होंने इतना लड़ाई किया. उस टाइम पे वो लोग जो जितना लड़ाई किया, आज हम वो फ्रूट्स एंजॉय कर रहे हैं. आज हम वी आर बिकॉज ही वॉज देवर, बिकॉज वी आर टूडे आवर नेक्स्ट जनरेशन. मतलब अब अगले 100 साल हमारा बच्चे, उसका बच्चे किस तरीके से मीनिंगफुली जिंदगी जीना हमारा हाथ में है. इस फैसिज्म को डिसमेंटल करना बहुत जरूरी है. जैसा बोल रहा था, फाड़ दो जो भी है, ये धर्म ग्रंथ आपको लिबरेट नहीं करेगा. ये धर्म ग्रंथ मैं बोल रहा हूं, मैं आपको संविधान ही लिबरेट करेगा. इतना खर्च करता है हम दिवाली पे, वो उस पे, इस पे, पूरा वो फेस्टिवल्स पे, किताब पे कोई खर्च करता है, हम टीवी पे खर्च करता है, हम नेट, वो पूरा वो नेटफ्लिक्स में, ये पूरा इस पे खर्च करता है, हम बच्चे के लिए, ये बच्चे के लिए एक लैपटॉप पे खर्च नहीं करता है. हम उसको डांटता है, हम अरे चुप बैठो, मोबाइल में ही देखो या मोबाइल में ही पढ़ो. मतलब एजुकेशन एज आई सेड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. एंड एक चीज मैंने मंत्री साहब से भी डिस्कस किया, शायद साहब वो बात आपके सामने रखेगा, मैं नहीं रखूंगा, बिकॉज दैट इज हिज कप ऑफ टी. मैं आज भी बात हुआ, बट दूसरा एक चीज मैं बताना चाहूंगा. तेलंगाना सरकार ने, मैं हायर एजुकेशन सेक्रेटरी से मिला पिछले महीने, देश में जैसा अंबेडकर सोचा, पहले बार सर आर एस प्रवीण कुमार, दैट इज हिज ब्रेन चाइल्ड, महिला लोगों को, गर्ल चिल्ड्रन को फर्स्ट लॉ कॉलेज इन हैदराबाद दे हैव प्रपोज्ड एंड इट हैज बीन अप्रूव्ड. मतलब लॉ पढ़ना बहुत जरूरी है हमारा लोग. इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के बारे में जो बोल रहा हूं वही है. वेयर एवर वी आर, वी नीड टू इंस्टीट्यूशनलाइज आइडियाज, वी नीड टू इंस्टीट्यूशनलाइज पेडागॉजी. मतलब पेडागॉजी मतलब भाई फ्यूचर में, यही बोलता हूं मैं फ्यूचर में. अभी अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर अंडर ग्रेजुएट में बहुत पॉपुलर कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का अंदर. दूसरा दलित भोजन थॉट है एमए मास्टर्स का अंदर. अंबेडकर इन कंटेम्पररी इंडिया भी है. और आगे अब अगले साल जब रिवाइज होगा सिलेबस, जितना भी महिला थिंकर्स है, ये सारे पुरुष सत्ता लोग बैठा ना वहां पे, उनको हिलना है. मतलब जो दी वे विमेन थिंकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. Why they are important to understand? पूरा पेडागॉजी के अंदर एक पितृ सत्ता भर गया, उसको deconstruct करना. That is what you know Phule did. Periyar, sir, Periyar. We must introduce Periyar to our North Indian friends. हम Phule बाबा साहब पे बहुत retrospect किया, कांशीराम को. Periyar का किताब, दो किताब यूपी सरकार ने बैन किया है. आप सच्ची रामायण सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, अब क्या है उसमें. So institutionalization of Ambedkarism is important. Last point जो है, सेंटर जितना भी खोलना हम. I request मंत्री साहब से to take care about that point which I mentioned, sir. Pedagogy, अब ये दो जो दिल्ली सरकार का जो वो जो हुआ वो, और आगे भी 10th में 11th में जितना भी है, हमारा टीम रेडी है सर. We will do something for that. और जिस तरीका से दूसरा तमाम सरकार लोग है, वो लोग अंबेडकर विचारधारा को लेके आगे कुछ इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने के लिए कोशिश कर रहा है, उसी तरफ से आई एम श्योर दैट यू नो राजेंद्र पाल गौतम साहब जब तक उस कुर्सी में होगा, उस टाइम तक अंबेडकरिज्म सरकार के अंदर भी फैलना भी जरूरी है. वो फैलेगा. ओके, वो तो ही नेवर स्टेप्स बैक. ही नेवर स्टेप्स बैक एंड ही इज द वन हु इज, मतलब यू नो इवन गवर्नमेंट कांट थिंक टू डू समथिंग टू हिम, बिकॉज वी आर ऑल, हम सब लोग है उसका पीछे, वो भी है हमारा पीछे.
दिस इज वॉट द स्ट्रेंथ मीन्स. मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप लोग नहीं है, वापस जाके और तीन लोग चार लोगों से बातचीत कर लीजिए अंबेडकर के बारे में, टाइम रख लीजिए. डोंट थिंक दैट यू आर वेस्टिंग टाइम. सबका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आइडियोलॉजिकली इम्बाइब करने के लिए आप टाइम वो टाइम यूनिट टू इन्वेस्ट है. देख लीजिए वो संघ लोग, आरएसएस संघ लोग किस तरीके से छोटा सा भी मौका दो पूरा इंक्रोच करेगा, आएगा आ जाओ भाई यहां पे, वो पूरा आपको पूरा ऐसा होगा अरे भाई ये क्या कर रहा है, हम क्यों स्पेस नहीं दे देंगे हमारा लोगों को, हम क्यों हम लोगों हमारा बच्चे को हमारा भाई बहन लोगों को इन्वाइट करेंगे इस आइडियोलॉजी को. आइडियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. सर थैंक यू वेरी मच सर फॉर आस्किंग मी टू बी पार्ट ऑफ इट. एंड जो भी है प्लीज वापस चलिए, ये यहां यहां तक सीमित नहीं होना है. मैं सॉरी मैं हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, वो मैं क्या करूं, मैं तो यहां से नहीं हूं, बाहर से मतलब साउथ से आया, फिर भी क्लास में पढ़ा नहीं तो बहुत लोग हिंदी मीडियम बच्चे हैं, मैं सरल भाषा में ही बोलता हूं, समझ में आने वाला भाषा में बोलता हूं. तो आप वापस जाइए, वापस जाके चुप नहीं बैठना भाई, संविधान बांट लीजिए. भाई साहब बोला 25 वापस ले लेंगे, तो सर हम भी ले लेंगे सर, जितना भी है वो ले लेंगे. आप बांट लीजिए, किताब बांट लीजिए, हनुमान चालीस को फाड़ के पीस 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 करके आज ही मनुस्मृति को दिसंबर 25 को पीस पीस करके जलाया है. कितना वो होता है ना कसी, मतलब वो एक एक दर्द है मन पेट पे अंबेडकर का, वो दर्द निकाला. क्या हम वो हमारा पास वो दर्द नहीं है, हम नहीं कर सकते, कर सकते नहीं तो एक ही चीज है, थोड़ा बहुत सोचता है हम करने का पहले दूसरा विचारधारा का तरफ. वो विचारधारा हमको खाना नहीं देगा, वो आपको हर बार ह्यूमिलिएट करता रहेगा, हर बार आपको डिमीन करता रहेगा, हर बार आपको स्पेस नीचे ही है बोलेगा वो. तो इसलिए वापस जाके चार लोगों से बात कर लीजिए. एक एक आदमी चार लोगों से बात किया तो अगले मीटिंग में दो लोग यहां पे आ सकते हैं, बहुत है वही बहुत इंपॉर्टेंट. दिस इज वॉट राजेंद्र पाल जी ऑल्सो इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. एंड सबको जय भीम और क्रांतिकारी जय भीम और जो भी है हमारा लोगों को वो करके हम नमो बुद्धाय सब यू नो वो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. नो जय भीम इज अ वेरी पावरफुल स्लोगन. आप सर एक सेकंड में बोलते रहो. एक प्रोफेसर है डिपार्टमेंट में हमारा डिपार्टमेंट, वो मजाक मजाक से मेरे को जय भीम बोलना शुरू किया, तो ठीक है मैं भी जय भीम बोलना शुरू किया. तो दो दिन बोला, तीसरा दिन नहीं बोला, उन्होंने बोला भाई क्या हुआ तुमको, जय भीम बोलो तुम बोलो. तो अभी भी वो मेरे को देखते सर जय भीम बोलता है, ठीक है. तो एक बार पूछा भाई तो हम हर बार जय भीम बोलते बोलते हैं, आप एक बार जय श्री राम बोलो. मैं बोला गर्दन भी काटो मैं नहीं बोलूंगा, आपको जरूरी है मेरे को जरूरी नहीं, वो तुमको जरूरी है जय भीम बोलना मेरे को जरूरी नहीं. तो भाई साहब भाई लोग बहन लोग जय भीम इज अ वेरी पावरफुल स्लोगन, स्प्रेड इट. थैंक यू सर, थैंक यू. सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए.